आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 48वां सालगिरह है। शादी के सालगिरह के अवसर पर मुजफ्फरपुर में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव रतन कुमार के द्वारा केक काटकर सालगिरह मनाया गया। मुजफ्फरपुर सरैयागंज टावर के पास रतन कुमार ने केक काटकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 38वां सालगिरह की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस उपलक्ष्य में केक काटने के साथ साथ उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का भी वितरण किया। माटी का काटो खुशी का दिन है। हमारे नेता, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का 48वां वर्षगांठ है, शादी का सालगिरह है और हम लोगों ने बहुत ही सीमित तरीके से कोरोना को देखते हुए आज हम लोगों ने उन्हें शुभकामना दिया है केक काट के, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों ने बहुत ही कम लोगों के बीच मनाया। और मैं हम लोगों की तरफ से, युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, हम ये उनको शुभकामना देते हैं कि उन दोनों की जोड़ी सलामत रहे और वो दोनों मिलकर बिहार जैसे राज्य जो नीतीश कुमार के हाथ में फंसा है, कोरोना में भी हम लोग पूरी तरह से उब चुकी है जनता, और अगले साल जब कोरोना से हम लोग पूरी तरह से उबर चुकेंगे और सबसे बहुत ही बृहद पैमाने पर उनका वर्षगांठ मनाएंगे और अगले साल आप लोगों की दुआ रही तो हम लोगों की सरकार बिहार में रहेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे।